नमस्कार, मैं हूँ राजबाला, आप देख रहे हैं देश रोजाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योग चक्र। आज का हमारा टॉपिक है कि पित्त की थैली में स्टोन हो जाती है। आजकल क्या होता है कि बहुत लोगों को पित्त की थैली में स्टोन हो जाती है, नॉर्मल बात है आजकल, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ऑपरेशन ही होता है, सब बोलते हैं कि ऑपरेशन ही जरूरी है पित्त की थैली के लिए। तो क्या है उसके लिए, आसन है, प्राणायाम है, थेरेपी वगैरह है। तो उनके द्वारा क्या है कि हमारी जो पित्त की थैली है, बहुत लोगों की क्या होता है पित्त की थैली सिकुड़ जाती है। जैसे कि अगर किसी के स्टमक में अच्छे से खाना नहीं पच पाता हो तो उनके क्या होता है, बहुत बार पित्त की थैली, डॉक्टर बोलते हैं कि सिकुड़ गई आपकी पित्त की थैली या फिर स्टोन हो गई आपकी पित्त की थैली में। तो उसके लिए आसन है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें आज का सेशन। सबसे पहले नॉर्मल क्रॉस लेग करके बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, यहीं से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, पूरा स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट करके रखें, जितना अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं उतना खींच के रखें। धीरे से टर्न करें राइट साइड में, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करें सेंटर में, यहीं से लेफ्ट साइड में टर्न करें, एक्सहेल सेंटर रिलैक्स, यहीं से साइड में टर्न करें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को अपने नाभि पे रखें बिल्कुल सेंटर में, एक लंबा गहरा सांस लें, पेट को बिल्कुल खाली करें, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाने का प्रयास करें। धीरे से वापस नॉर्मल सांस छोड़ दें, एक बार ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। यहीं से नेक्स्ट आसन है सिंपल अर्धमस्तेंद्रासन। अपने लेफ्ट राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को सीधा रखें, पंजा बिल्कुल ऊपर की तरफ खिंचा हुआ रहे। यहीं से अपने राइट हैंड को बैक साइड में रखें, लेफ्ट हैंड को अपने राइट लेग के पीछे की साइड से घुमाएं और पीछे गर्दन को धीरे धीरे लेते हुए जाएं शोल्डर लेवल में। यहीं से धीरे धीरे वापस सेम अभ्यास दूसरी साइड, जैसे आपने अभी राइट साइड किया है ऐसे ही सेम अभ्यास लेफ्ट साइड में। कोशिश करें कि आपकी चिन आपके शोल्डर लेवल में रहे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे से एक्सहेल करें, यहीं से खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करें, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए सेंटर में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। यहीं से श्वास ले एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग के जो पंजा है उसको सामने की तरफ करके रखें, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में फैलाएं, यहीं से धीरे धीरे राइट साइड में टर्न करें, धीरे धीरे जाने का प्रयास करें, गर्दन ऊपर की साइड रखें, अपनी हथेली को देखने का प्रयास करें। धीरे से वापस सेम अभ्यास दूसरी साइड करें, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में जाने का प्रयास करें, गर्दन ऊपर हथेली को देखने का प्रयास करें। धीरे से वापस
दोनों पैरों के गैप को हल्का सा कम करें, दोनों हथेलियां सामने, यहीं से सांस लेते हुए राइट साइड में श्वास छोड़ते हुए सेंटर, साइड चेंज, सेम अभ्यास दूसरे साइड, धीरे धीरे वापस, यहीं से बैठ जाएं वज्रासन में, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्टिंग में करने का प्रयास करें। राइट हैंड से फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड करें, थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें, राइट से श्वास छोड़ दें, राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यू 20 टाइम। बिल्कुल धीरे धीरे करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आपकी ब्रीदिंग की साउंड बाहर तक ना सुनाई दे। वापिस ब्रीदिंग नॉर्मल, नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति, जो कि आपके वेट को कम भी करता है, आपके वेट को ज़्यादा भी करता है। बहुत लोगों का क्या होता है, वेट बहुत कम होता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कपालभाति, अगर हम अच्छे से करें कपालभाति का अभ्यास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियाँ नीचे की तरफ अपनी, एक लंबा गहरा सांस लें, पेट आपका अंदर जाएगा तो दोनों नॉस्ट्रिल के द्वारा एक्सहेल होगा आपका। ठीक है, 20 स्टार्टिंग करना है, दो राउंड करना है 20-20 का। स्टार्ट करें, इसमें आपका एक्सहेल साउंड है जो वो सुनाई देना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, चिन को कंठ से लगाएं, ब्रीदिंग होल्ड करें, धीरे से वापस, लास्ट राउंड, ब्रीदिंग होल्ड, धीरे से वापस। जिनको स्टोन है, किडनी में स्टोन है या फिर आपकी ग्लैंड ब्लैंडर, आपकी पित्त की थैली में स्टोन है, उनके लिए सबसे बेस्ट है पत्थरचट्टा। आपने सुना होगा पत्थरचट्टा का एक पौधा होता है, क्या है कि मॉर्निंग में खाली पेट पत्थरचट्टे के 3 पत्ते, मॉर्निंग में खाली पेट कोशिश करें कि पत्थरचट्टे के पत्ते धो लें, साफ़ करें अच्छे से, उसके बाद पानी के साथ 3 पत्ते खाएं। थोड़ा खाने में उनका टेस्ट तीखा तीखा सा, हल्का तीखा तीखा सा होता है, फीका थोड़ा सा। ठीक है, तो 3 पत्ते खाली पेट खाने का प्रयास करें, धीरे धीरे रूटीन में बढ़ाते भी जाएं, 5-5 पत्ते खाने का। इसको साथ में इवनिंग में भी, शाम को भी आप पत्ते खा सकते हैं खाली पेट। साथ में प्रभावती वेट वो होती है, प्रभावती की गोलियाँ होती हैं, उनको खाने का प्रयास करें और अच्छे से प्रणाम करें, आसन करें। किसी भी आसन को कोई ज़बरदस्ती ना करें, किसी भी आसन में अच्छे से करने का प्रयास करें। जो भी आसन आज हमने करे हैं वो आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ में आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। जो भी हमने आसन करे हैं, जो प्राणायाम करे हैं हमने, उनको कंटिन्यू अपने रूटीन में अपनाएं। प्राणायाम को करने से आपके चेहरे की स्किन ग्लो बढ़ता है, साथ में आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा फील करता है। मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।